में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर। मैं हूं आपके साथ आशा त्यागी। जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर ही सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार एक महिला ही देह व्यापार चला रही थी और देह व्यापार यह काफी समय से फल फूल भी रहा था। सूचना के आधार पर नगर कोतवाली पुलिस टीम ने मौके से 13 महिला और 2 पुरुष मौके से दबोचे हैं। आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस को बरामद हुई है। यह देह व्यापार नगर कोतवाली क्षेत्र में चल रहा था। फिलहाल इस सेक्स रैकेट का हापुड़ एसपी ने प्रेस वार्ता कर खुलासा कर दिया है। इस कारोबार को संचालित करने वाली आरोपी महिला ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह अपने इसी मकान में अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी फीस और अन्य खर्चे और अपने जीवन यापन करने के लिए आरोपी महिला के पास कोई और रोजगार नहीं था। आरोपी महिला ने बताया कि वह कुछ व्यक्तियों और महिलाओं से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करके बाहर से बुलाकर उनसे देह व्यापार करवाती थी तथा इस देह व्यापार में जो धन प्राप्त होता था उसमें आरोपी महिला का कमीशन रहता है और आरोपी महिला इन देह व्यापार करने वाली महिलाओं को अपना कमीशन काटकर बकाया पैसा उन्हें दे देती थी। इस देह व्यापार में धंधे में जो कमीशन रुपए आरोपी महिला को मिलता था उसी से आरोपी महिला अपना जीवन यापन करती थी और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा करती थी। आरोपी महिला ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि आज जो भी मुझे धन मिला है वह देह व्यापार का पैसा है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल। देखिए, थाना कोतवाली नगर और हमारी एएचटी की जो जॉइंट ऑपरेशन में ये एक रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है जो थाना कोतवाली के एक आदर्श नगर और जसरूप नगर में चल रहा था। इसमें लगभग 12 महिलाएं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया, साथ में वहां से मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इनमें पूछताछ में पाए गए कई महिलाओं को अपने यहां रखती थी और बाहर की महिलाएं जैसे नेपाल, मेरठ और अगल बगल के जनपदों की भी महिलाओं को ये लोग अपने यहां कार्यरत कराती थी और इनसे गलत तरीके से अनैतिक देह व्यापार करवाती थी। इसमें पूर्व में भी कुछ ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो पूर्व में भी इस तरीके के अपराधों में लिप्त रहे।